बीजेपी का चुनावी महामंथन, वोट पर विजय की रणनीति, योजनाओं से लेकर नतीजों तक समीक्षा। दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ये अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पक्की करने वाला महामंथन था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनावी समीक्षा पेश की, जनता से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा दिया गया। बैठक में उपचुनाव के नतीजों पर भी बात हुई। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि 5 राज्यों में बीजेपी सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इस बैठक में चुनावी मंथन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने विजय मंत्र दिया, जिसका जिक्र बैठक के बाद हुई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में सेवा ही संगठन है, पार्टी आम लोगों से जुड़ी रही है, इसलिए आज यहां पहुंच पाए हैं। दिल्ली में एनजीएमसी सेंटर में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है, हमारे ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया और खंडन किए कि वह कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेसोल्यूशन में है। चुनाव में जीत की जमीन पक्की करने के लिए बीजेपी का मकसद है यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बूथ लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना, ताकि एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी का जनाधार बढ़े। ये एक डिजिटल कैंपेन भी है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सेवा के रास्ते आगे बढ़ने का मंत्र आज महामंथन में निकला। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल रेटिंग के बाद ये भरोसा और मजबूत हुआ है। बीजेपी की रणनीति और पीएम मोदी के ग्लोबल ब्रांड इम्पैक्ट का उल्टा असर विपक्ष पर तो जरूर पड़ना है, जिसे ये बात हजम नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चर्चा होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता गांव गांव में, गली गली में, घर घर पे, चौराहे चौराहे पे ये चर्चा करने लगी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। वही कांग्रेस को बीजेपी की बैठक में भी तानाशाही दिखाई दी। लोकतंत्र की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री ऐसा लगता है कि हमेशा सत्ता उनके पास रहेगी और वो डिक्टेटरशिप के रास्ते पर चल पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, बल्कि लोगों से आत्मीयता से मिलने और लोगों के बीच काम करने के तजुर्बे से आता है। अब देखना यह होगा कि सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी का तजुर्बा 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे लेकर आता है।